एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू द रिमाइंडर इज वन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ना? क्वेश्चन नंबर 10 बोला सर. सॉरी 10. क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा अभी रिमाइंडर के एंड एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. नहीं 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 रिमाइंडर उसने 1 दिया हुआ है हमें. आप सर म्यूट हो गए हैं. जी जी मैंने खुद ही म्यूट किया था. बाहर से नॉक हुआ था दरवाजा. मैंने कहा पूछे कौन है बाहर. तो अच्छा भाई ये आ गया जी हमारे पास. उसने बोला है कि एक रिमाइंडर तो आपने इधर से निकालना है ठीक है. एक उसने रिमाइंडर आपको ये दिया हुआ है ठीक है. के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. मतलब पहले सवाल ये देखें. हाँ आधा सवाल तो वही है हमारे पास कि ये वाला काम देता है और साथ ही x माइनस टू दे दिया उसने. हमने क्या करना है x माइनस टू इक्वल टू रखा जीरो के. इधर से x की वैल्यू क्या निकल आएगी टू. हमने इसमें टू पुट कर देना जहाँ जहाँ x आ रहा है. ये देखें जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ टू पुट कर दिया. सारा जवाब आ गया. एट द एंड हमारे पास जवाब क्या आ गया. इधर आके जवाब आ जाता है हमारे पास 16 16 32 32 और 3 34 ठीक है. और 32 और 3 सॉरी 35. ये देखें अब इसको आपने इग्नोर करें. आप इधर आ रही समझें इसको ना. इधर देखें जब इसको हमने सिंपल वो वाला क्वेश्चन किया ना. हमने पहले वाले जो क्वेश्चन अभी किए उसमें x माइनस टू इक्वल टू जीरो रखा. तो इधर से x की वैल्यू क्या निकल आई टू. टू पुट करने के बाद इसमें वैल्यू एट द एंड हमारे पास क्या बनी. इधर इधर बन गई 4k plus 35. अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया 4k plus 35. एक रिमाइंडर उन्होंने हमें दिया हुआ है गिवन किया हुआ है. इसमें एक रिमाइंडर उसने खुद दिया हुआ है. रिमाइंडर उसने बताया हुआ है कौन सा r. r रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर है 1 के. अब ये आर की जगह हमने मतलब एक रिमाइंडर हमारा ये आया. उनका रिमाइंडर जो उसने बताया हुआ है उनका रिमाइंडर किसके बराबर है वो 1 के बराबर है. हमने उसकी जगह 1 पुट कर दिया. अब ये 35 दूसरी तरफ जाके जब माइनस होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 35. तो क्या रह जाएगा -34. और इधर क्या था 4k 4 इधर आगे नीचे जब डिवाइड होगा इसके नीचे जब 4 इसको डिवाइड करेगा इसको भी 4 डिवाइड करेगा इसको भी 4 डिवाइड करेगा. ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया ये वाला. और ये 4 कैसे कैंसिल हो जाएगा 2 17 और 2 2. तो k का आंसर हमारे पास क्या आ गया 17 over 2 -17 over 2. k की वैल्यू सर सिंथेटिक. नहीं 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 सिंथेटिक डिवीजन नहीं इसमें यूज करना. अभी सिंथेटिक डिवीजन तब यूज करते हैं जब उसने मेंशन किया हो या जिसमें हमें सिंथेटिक डिवीजन जब आएगी ना मैं आपको बताता हूँ. उसमें सिंथेटिक डिवीजन आती है उसमें आपको एक और रूल भी बताऊंगा इसका कि किस रूल के जरिए आपको पता लगेगा कि. सर ये रिपीट थोड़ा सा कर दें मुझे इसकी समझ नहीं लगी. हाफिज साहब इसमें ये किया है इसने ये गिवन किया हुआ है ना हमें ये वाला x माइनस टू पे ये फंक्शन पूरा हमारे पास डिवाइड होता है. हाँ जी. तो हमने क्या किया इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. x की वैल्यू क्या आ गई 2. अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें भी जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया इस पूरे फंक्शन में. पूरे फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास एंड पे आंसर आ गया 16 प्लस 16 32 और 32 और 3 35 और प्लस 4k 35 प्लस 4k. ये हमारा रिमाइंडर आया है. उनका रिमाइंडर उसने जो गिवन किया है उनका रिमाइंडर क्या था 1. तो हमने दोनों रिमाइंडर बराबर रख लिए. 1 रिमाइंडर इक्वल टू जो हमारे आंसर आया था 35 प्लस 4k. 35 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस 35 माइनस 34 हो जाएगा. 4 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास इधर इसका आंसर क्या आ जाएगा k की वैल्यू क्या आ जाएगी -17 over 2. क्लियर हुआ? क्लियर है सर. एक रिमाइंडर हमने मतलब लूम किया जो पुराने मेथड से हम करते आ रहे हैं. एक रिमाइंडर उसने खुद दे दिया हमें. वो उन दोनों रिमाइंडर को हमने इक्वल टू रख के k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन 11.
जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है, अब उसमें भी सेम वही प्रोसेस, सेम यही है उसी, हाँ सेम वही प्रोसेस है। उसमें भी हमारे पास देखें x माइनस टू दिया हुआ है और ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने x से माइनस टू इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू क्या आ गई टू, x की वैल्यू टू हमने इसमें पुट कर दी, टू की पावर थ्री प्लस टू इंटू टू की पावर टू प्लस टू के प्लस फोर, इधर से हमारे पास रिमाइंडर बन गया एट प्लस एट ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस इधर बन गया हमारे पास ट्वेंटी प्लस टू के, ये हमारा रिमाइंडर आया जो हम पुराने मेथड से करते आ रहे हैं। एक रिमाइंडर उसने खुद दिया है वो कितना है 14, हमने उस रिमाइंडर के बराबर रख लिया, तो 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस जब होगा 14 में से, 14 माइनस 20 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस सिक्स, टू जब इसको डिवाइड करेगा आके इधर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा के इक्वल टू माइनस थ्री, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ये वाली आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट, इससे अगले क्वेश्चन है एक दफा बस थोड़ा सा इसका हिंट देना, बाकी क्वेश्चन खुद ही कर लेना, हम फिर 4.6 स्टार्ट करेंगे। सर आज नहीं करनी, चलो आज नहीं करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास अब देखें, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि इसकी सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है कि मतलब किस पे डिवाइड करना है किस पे डिवाइड नहीं करना, कौन से नंबर हमारे पास होते हैं जिन पे डिवाइड कर सकते हैं, एनीवन के साथ डिवाइड करना होता है, नहीं किसके साथ डिवाइड करना होता है, मतलब ये जैसे इसने 2 कहां से ले लिया, 2 पे क्यों किया 1 पे क्यों किया, ये सर x is equal to minus 2 होगा, नहीं x minus 2 is equal to 0 होगा ना, x is equal to 2 हो गया, मैंने कहा वो तो ठीक हो गया सर, बस उसने हमें कहा है हमने वैसे कर देना है, फैक्टर है सर, लेट्स सपोज उसने ये 2 ना दिया हो, मैं ये बात किया ये 2 ना दिया हो, ये 2 नहीं दिया हमें, अब हमें कैसे पता लगा कि हमने मतलब इसका फैक्टर तो है, उसने तो पूरा पूरा डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम, हमारे पास तीन मेथड है फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो लगा के हम वैल्यूज बाकी भी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज उसने ये वाला फैक्टर गिवन ही नहीं किया, तो हमने इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने, इसके फैक्टर कितने आने, सपोज करेंगे देखेंगे सपोज क्या करना है फैक्टराइजेशन, नहीं 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 ये देखिए इसकी पावर कितनी, सपोज x is equal to 2 या minus 2 ऐसे, नहीं 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 इसकी पावर कितनी आ रही है हमारे पास 3, तो इसके फैक्टर भी कितने बनने 3, अच्छा थोड़ा सा अब इधर गौर करें, अब ये लास्ट पे जो इसके क्या आ रहा है 6, जी सर 6 के फैक्टर कितने होते हैं, ये मैंने लिख लिया 6 को कौन कौन तकसीम करता है, तो 3, 2, 1, 2, 3, 6, ये सारी की सारी वैल्यू ये आ गई, और साथ इनके प्लस माइनस, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, अब ये कितने बन गए टोटल फैक्टर 6 के 8, 4 ये प्लस वाले 4 माइनस वाले, अब ये 8 फैक्टर्स में से ही इनके आंसर होंगे, जो मर्जी क्वेश्चन आप उठा लो, अगर आपके पास इन्होंने ना गिवन किया हो ये वाला, तो आप जब इसको देखेंगे उठा के देखेंगे तो इनमें से ही आंसर आएगा, 8 जितने भी आंसर अभी मैंने बताए ना, अभी हम चेक कर लेते हैं, लास्ट वाली वैल्यू देखनी है, इसके तो सर 3 आने, इसके तो सर 3 आएंगे, 8 कैसे हो गए फिर, ओहो अल्लाह के बंदे, इन 8 में से वो होंगे 3 फैक्टर जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक हो गया ना, मतलब कोई पूछ लेता आपको कैसे पता है, लेट्स सपोज मतलब आप शुरू कर देते हो 8 से, आप कहते हो मैंने माइनस 1 से शुरू करना है, दूसरा 7 वाला कहता है नहीं मैंने प्लस 2 से शुरू करना है, तीसरा कहता है मैंने 4 से करना है, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन इसका मेथड ये है हमारे पास, जो एंड वाले होते हैं उसके फैक्टर बनाते हैं उसके साथ प्लस माइनस वैल्यू लगा लेते हैं। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही होगा,
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आपको सिंपल पता है ना, वो तीन मेथड आपके पास में अवेलेबल है, ये क्यूब भी वैसे वैसे फिर भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इधर से बना के दिखा देता हूँ, नीचे वाले के भी ना, नीचे वाले के भी मैं बना के दिखा देता हूँ अभी आपको, ये इसकी बनाएंगे बाद में ना, अभी करते हैं हम। अच्छा ये देखें, ये उसने पॉलिनोमियल दी हुई थी, इस पॉलिनोमियल को कहता है ये फैक्टर है, ये फैक्टर अब खुद इसने बता दिया टू इसका फैक्टर है, जब टू इसका फैक्टर है तो टू इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारे पास जीरो आना चाहिए। अब इसको करना कैसे है, डिवीजन के लिए एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर वो हमने लिख ली, उसके साथ जो कोफिशेंट आ रहा है वो आ रहा था वन, इसके बाद पावर कौन सी होती है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में नहीं थी, वो हमने क्या लगा लिया जीरो, उसका जीरो कोफिशेंट है, फिर उसके बाद एक्स का कोफिशेंट, फिर उसके बाद सिंपल कोफिशेंट। जो पहली वैल्यू होती है ना वो एज इट इज नीचे आ जानी है, मतलब ये एज इट इज नीचे आ जानी है वन, और टू पे हमने डिवाइड करना है, जब टू वन जर ये लिख लिया टू, टू को इस वन से मल्टीप्लाई किया और हमने इधर लिख लिया, इन दोनों को ऐड किया जीरो प्लस टू, ये हमारे पास बन गया टू, फिर हमने टू को इससे मल्टीप्लाई किया, टू टू जर फोर, वो इसके नीचे लिख लिया माइनस सेवन और फोर, ये माइनस थ्री आ गया, फिर इस टू को हमने मल्टीप्लाई किया इस थ्री के साथ, टू माइनस थ्री जर माइनस सिक्स, सिक्स प्लस का है माइनस का, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया जीरो, ठीक हो गया। अब ये पावर कितनी थी हमारे पास, तीन में थी, उनका एक रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये पावर दो में कन्वर्ट होगी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, वो ये देखें एक्स स्क्वायर ये प्लस टू एक्स और ये माइनस थ्री, फिर अगर इनके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें, अदरवाइज नहीं तो आपके पास तीन मेथड हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस ही क्वेश्चन को हाफ साहब का रिप्लाई आता है इधर से, हाफ साहब ये देखिएगा, अगर हम इसको करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के जरिए, एंड पे क्या आ रहा है थ्री आ रहा है, थ्री के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास वन और थ्री, वन और थ्री, वन और थ्री, हाँ जी, प्लस वन और माइनस वन, इसी तरह प्लस थ्री और माइनस वन, ठीक, लेकिन आंसर कौन माइनस थ्री, हाँ कौन से आंसर उसको सेटिस्फाई करेंगे, दो आंसर उसको सेटिस्फाई करेंगे जिनको पुट करने के बाद ये रिमाइंडर क्या देगा जीरो, मतलब टोटल चार है, चार में से दो आ जाएंगे हमारे पास। अब ये देखें हम इधर करते हैं, अब इनकी वैल्यू क्या थी, इसके साथ क्या आ रहा है कोफिशिएंट वन, अगले के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है टू, अगले के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है थ्री, हम सबसे पहले इसको वन पे ही तकसीम कर लेते हैं, हमारे पास फैक्टर चार है ना, चार में से हम वन के साथ तकसीम कर लेते हैं, पहली वैल्यू हमने क्या की है एज इट इज नीचे आ गई वन, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन, ठीक हो गया, वन प्लस टू ये बन गया थ्री, वन इंटू थ्री ये बन गया थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री रिमाइंडर जीरो, ये वैल्यू किसकी होती है एक्स की, प्लस थ्री ब्रैकेट बंद किसके बराबर आ गया जीरो के, ये देखो इधर से एक वैल्यू क्या बन गई एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और एक वैल्यू क्या बन गई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, लेकिन इसके लिए बेहतर सोल्यूशन यही होता है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या वो तीनों में से फैक्टराइजेशन ही अप्लाई कर दें तो ये वो ज़्यादा ईजी होती है, ये लगा तो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा जो हम लगाते हैं ना इसका, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है इसका, हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनका सोल्यूशन निकालने के लिए फिर हमें सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, टू की पावर तक हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोचिंग है, जब थ्री तक जाएंगे तो या फोर तक जाएंगे या फाइव आगे ऑनवर्ड जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन आती है। आप सब क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसके फैक्टर बन गए थे, फैक्टर बना के अगर करना है तो फैक्टर बना के कर लो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक फैक्टर उसने दिया था दो फैक्टर आपने इधर से निकाल लेने, ठीक है सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 और सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर 13 में अब उसी तरह ही हमारे पास उसने कहा माइनस फोर, अब ये देखो माइनस 48 है ना, 48 के पेयर्स हमारे पास क्या क्या बनते हैं, फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, वन टू थ्री भी बनता है, फोर भी बनता है, सिक्स भी बनता है, एट भी बनता है,
और इसके अलावा 12 आता है, फिर 16 आता है, फिर आता है 24, फिर आता है 48। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। अब ये देखें, ये वाला जो फैक्टर उसने गिवन किया हुआ है वो इसमें से ही है ना, ये देखो ये जो 4 आ रहा है, तो वो प्लस माइनस लगा के तो वो आपको जो बताया, अगर ना दिया होता तो हमने ये चेक करने थे। अब ये देखिए क्यू वाली फॉर्म थी, इसके साथ 1 आ रहा था, 1 लगा लिया, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ 0, फिर एक्स की वैल्यू -28, फिर एक्स के बगैर इधर क्या आ गया 48, -48, -4 पे उसने कहा डिवाइड करना है। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे 1 आ गया, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4, 0 प्लस -4, -4 आ गया हमारे पास, -4 प्लस 16, -28 में से 16 निकाल दिया तो -12 आ गया हमारे पास। -4 को मल्टीप्लाई किया -12 के साथ, -- प्लस 12, 4 = 48, ऊपर क्या था -48, नीचे प्लस 48, ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 0। तो इधर से हमारे पास अब ये 3 वैल्यू रहेगी, इसको तरतीब से लिख लें, एक्स स्क्वायर -4x -12। अब इसके पेयर्स बना लें, अगर पेयर्स बनते हैं 6 2 12, 6 2 12 हमारे पास बन गया, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, -6x प्लस 2x -12, एक्स कॉमन आ गया, एक्स -6 रह गया, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें से 2 कॉमन आ गया, एक्स -6 रह गया, एक्स -6 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 2। अब ये देखें इसके पेयर्स क्या बन जाएंगे, एक्स -6 एक्स प्लस 2 और इधर से एक्स प्लस 4, ये इसके इसने फैक्टर पूरे के पूरे ये बना के इसने लिख दिए इस तरह फैक्टर फॉर्म में 1 2 और 3। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, 16 तक कैसी है ना? जी सर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी पावर 4 है उसमें। अब हाँ ये थोड़ा सा देख लें इस क्वेश्चन को ना, पहले कह रहा है कि हमने इसको डिवाइड करना है 2 पे। अब ये कंपल्शन नहीं है, मतलब अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर 0 ही आना है, -3 पे डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर 0 ही आएगा, वो आपकी मर्जी है। -2 पे, 2 पे पहले डिवाइड करना है डिवाइड कर लें, या फिर आपने डिवाइड करना है -3 पे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखने, क्योंकि दोनों उसके उसने क्या बोला है फैक्टर हैं। जब दोनों फैक्टर हुए तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकता है। अब ये देखें भी हमारे पास जब हमने किया 2 इसमें मतलब करते हैं 2 के हवाले से ना, हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, इसका कोफिशिएंट x मैक्सिमम पावर का 4, फिर आ गया 7, फिर एक्स स्क्वायर का -4, फिर x का -27, ये 27 है, और x के बगैर वाला हमारे पास आ गया -18। 2 पे किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ गई, 2 2s are 4, 7 और 4 11, 2 11s are 22, 22 में से 4 निकाल दिए 18, 2 18s are 36, 36 में से 27 निकाल दिए तो 9, ये 9 है, 9 2s are 18, ऊपर माइनस का है नीचे क्या आ गया प्लस का, ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब ये इसका रूट था, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास उसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, हमने उसका दूसरा रूट भी बता दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमने जाना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है, तो इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, -3 पे उसने दूसरा जो रूट दिया हुआ था उस पर अगली उसी इक्वेशन को आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया, -3 है, इधर से 2 जो है वो एज इट इज नीचे, -3 2s are -6, 11 में से 6 निकाल दिए तो -5, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, 18 में से 15 निकाल दिए तो 3, -3 और +3, 3 3s are 9, ऊपर 9 प्लस का नीचे माइनस का हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए कट गए, आंसर क्या आ गया 0। अब ये 3 रकमें बच गई हमारे पास, 3 टर्म्स, उसमें सबसे पहली होती है एक्स स्क्वायर की, दूसरी
आगे हमारे पास x वाली, तीसरी हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसके पेयर 3 2s are 6, 2 और 3 सीधे सीधे पेयर बन गए, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6, और 3 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। और एट द एंड जब वो इसके फैक्टर्स लिखने हैं, 2 फैक्टर नीचे से आएंगे, 2 फैक्टर उसने जो गिवन किए हुए थे, इसके फैक्टर्स हमने क्या कर लेने हैं, इसमें से ही इधर से फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर से बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब दोनों ये कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ आ जाएंगे, तो वो एट द एंड उसको इकट्ठा करके चारों को लिख देगा, 2 फैक्टर ये और 2 फैक्टर हमारे पास जो गिवन थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें पी और क्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें उसने बोला है कि हमारे पास जो फैक्टर हैं वो 2 हैं, एक है हमारे पास -1 और एक है हमारे पास 2। उसने टर्म हमें किस तरह गिवन की हुई है, वो इनिशियल क्वेश्चन ही आ गया, हमारे पास x प्लस 1 है, तो इधर से x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x इक्वल टू -1, इधर x माइनस 2 है तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई 2। आप दोनों में से जो मर्जी पहले कर ले, -1 से करना है तो -1 से कर ले, 2 से करना है 2 से कर ले, आंसर सेम ही आएगा। अब इस इक्वेशन को हमने लिखा, इसके साथ कोफिशियंट क्या आ रहा है 1, तो हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशियंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट p, और एक्स का कोफिशियंट हमारे पास क्या आ गया q, और एट द एंड हमारे पास जो p की वैल्यू है, सॉरी एक्स के बगैर को वैल्यू है, वो हमारे पास क्या आ गई 6। तो अब ये देखें जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज क्या होगी, 1 नीचे आ गया, -1 से किया, -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, पी माइनस 1 आ जाएगा इधर, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -p प्लस 1, यहाँ से क्या बन जाएगा क्यू माइनस पी प्लस 1, क्योंकि ये आपस में ऐड तो हो नहीं सकते, फिर -1 को इनके साथ जब मल्टीप्लाई किया -q -p -1, तो ये बन गया -q + p -1, यहाँ तक ये हमारे पास इनको जब करेंगे ये बन जाएगा -q + p, 6 में से 1 ये तो कर सकते हैं ना, 6 में से 1 -1 करेंगे तो वो 5 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब ये रिमाइंडर 1 ये बन गया हमारे पास, और दूसरे में रिमाइंडर हमारे पास क्या बनता है वो देखते हैं हम, 2 फैक्टर था हमारे पास 1 एज इट इज, 2 1s are 2, p -1 और 2, -1 और 2 ये आपस में माइनस हो सकते हैं प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा p+1, फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2p+2, अब ये देखें 2p है और इधर -p है, 2p में से 1p निकाल दिया तो 1p रह गया पॉजिटिव वाला, q 1 एज इट इज, 2 और 1 ये टोटली मिलके बन गया हमारे पास 3। यहाँ तक हमने दोनों को मतलब डिवाइड कर लिया, जैसा कि अभी हमने मतलब फैक्टर थ्योरम पढ़ा था उसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0-0 आना चाहिए था, लेकिन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास कोई ना कोई टर्म आनी शुरू होगी, इसमें रिमाइंडर ये आ गया, दूसरे में रिमाइंडर ये आ गया, ये बन गई हमारे पास क्या बन गई, बेसिकली ये बन गई हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, जो रिमाइंडर थी ना रिमाइंडर वाली जो इक्वेशन, वो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, उन 2 इक्वेशन को हमने सिंपली ऐड कर लिया, 1 में 2 ऐड किया, 1+2 ऐड किया, क्यू क्यू से कैंसिल, p+p 2p, 5+3 8, 8 दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा, 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये p की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करने हैं फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड में पुट करनी है सेकंड में पुट कर लें, सेकंड में पुट कर लेते हैं, -4+3, तो ये बन गया हमारे पास -1, क्यू की वैल्यू दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी 1। ये p और q की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करनी थी, अब आप ये p और q की